हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टे होम एंड कीप लर्निंग तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जी एन एम और ए एन एम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे और पहले भी मैंने बहुत सारे जी एन एम और ए एन एम के लिए वीडियो अपलोड कर दिया है तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हो पाए ठीक तो है तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ फॉजिल जीवाश्म मिन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं इसमें राइट आंसर होगा पेलिटियोलॉजी ओके जीवाश्म विज्ञान नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है इज अफेक्टेड अरिंथोफिल्ली इज इफेक्टेड बाय अरिंथोफिली किसके द्वारा होता है किसके द्वारा होता है तो इसमें राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन पक्षी के द्वारा ठीक है और इन और इन तो फिल्ली किसके द्वारा होता है बर्ड्स के द्वारा मीन्स पक्षी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेटेड ऑटोजमल डिसऑर्डर ओके डिजीज से क्वेश्चन आएंगे तो आप डिजीज वाले चैप्टर पढ़ लेना जिससे कि आप कर सकोगे ओके okay? तो क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था मीन्स डोमिनेट ओटोजमल डिसऑर्डर है ओके okay? ऑप्शन देखते हैं एलबीनिजम साइटिक फाइब्रोसिस, किटोन्यूरिया, ओके, एल्जाइमर्स डिजीज तो इसमें राइट आंसर क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एलजाइमर्स डिजीज ओके ये जो है ना डोमिनेटेड ऑटोजमल डिजीज है डिसऑर्डर है ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्रोमोजम्स डज ह्यूमन सेल कंटेन एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं तो इसमें राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी सॉरी फोर्टी सिक्स ठीक है अगर पेयर पूछा जाए तो ट्वेंटी थ्री होता है ठीक है अगर गुणसूत्र पूछा जा रहा है एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र है तो फोर्टी सिक्स और पेयर पूछा जाए तो ट्वेंटी थ्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ लॉन्ग इंटरनोड फॉर्मिंग द बेसल पार्ट और द होल ऑफ पेडिकल ओके एक डैश एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण टंडल बनाता है तो इसमें राइट right आंसर क्या होगा इसमें राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओके स्केप स्केप मीन्स मीन्स तना, ठीक है, सॉरी, अ अ इज़ लॉन्ग इंटरनोट फॉर्मिंग द पार्ट और द होल ऑफ अ पेंडिकल, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल वाल इज मेड ऑफ वनस्पति कोशिका वित्ती इससे बनी होती है

एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा अगर आप पारामेडिकल की भी एग्जाम दे रहे हो तो ये भी ये क्वेश्चंस आप देख के जाओ आपको बहुत ही हेल्पफुल बनेगा वीडियो रहेगा आपके लिए ये वेब नेक वेब नेक इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है तो इसमें राइट आंसर क्या होगा ठीक है इसमें राइट आंसर देखना है इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टर्नल टर्नल संलक्षण नेक्स्ट है हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उद्धविकास का सिद्धांत किसने विकसित किया तो किसने विकसित किया था राइट right आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिया था ओके okay? विकसित किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज द स्पॉन मैकेनिज्म टू डुप्लीकेट इट सेल्फ इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है तो इसमें राइट right आंसर क्या होगा इसमें राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओके नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर जानवर अंडे देता है तो इसमें राइट right आंसर क्या होगा इसमें राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटिप प्लेटिपस ठीक है नेक्स्ट है फॉलोइंगज द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम लाइफ स्पेन विच द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम लाइफ स्पेन में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु है दीर्घायु है तो कौन सा है तो इसमें राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी टोटो ठीक है कछुआ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड बाय द लीवर निम्नलिखित में से किसका स्त्र जिगर से होता है तो इसमें राइट right आंसर क्या होगा इसमें राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाइल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्मोइड क्लोन इज अ पार्ट ऑफ सिग्मोइड क्लोन किसका भाग है तो इसमें राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी Okay? Is, is क्यूँ है तो इसमें राइट right आंसर क्या होगा इसमें राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन ओके यह हिमोग्लोबिन के साथ अभी क्रिया करता है नेक्स्ट है ए सॉरी टेक प्लेस इन तो इसमें राइट right आंसर क्या होगा वेट uh, रक्त हिमाटोपॉइटिसमेटोपॉइसिस कहाँ होती, तो होती है तो इसमें राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोन मैरो में होता है ओके okay? रक्त उत्पत्ति ठीक है या तो लिखा होगा क्वेश्चन में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है तो बोन बोन मैरो में होता है ठीक है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबा टेक केयर